बंटवारे को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट आया है। देश में बंटवारे का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बंटवारे के वक्त लाखों बहनों भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, ये कहते हैं पीएम। याद दिलाया 14 अगस्त को हुए देश के बंटवारे को लेकर ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने और ये बातें लिखी हैं। जहां देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता, नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। तो प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट, जहां पर यह बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा लिखते हैं कि पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे हैशटैग है ये, और इसी पर आगे लिखते हैं, ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्व और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए ना केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। तो चलिए, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है अविनाश, उनसे जानकारी लेते हैं। अविनाश, इस ट्वीट के कई मायने हैं और देखिए, यह बड़ा ऐलान है कि विभीषिका के तौर पर 14 अगस्त का यह दिन याद किया जाएगा, मनाया जाएगा। जी देखिए, अगर बात करें इसमें तो वाकई में ये बड़ी विभीषिका रही है। 14 अगस्त 1947 को अगर बात करें तो मानव इतिहास में सबसे बड़ा पलायन देखने को मिला था, जहां 10 लाख लोग पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आए थे और भारत से कई सारे लोग पाकिस्तान में गए थे। तो ये सबसे बड़ा पलायन था और इसी विभीषिका को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्णय लिया है कि अब इसको जो है याद किया जाएगा, इस दिवस को मनाया जाएगा, ताकि जिस तरीके से तमाम तरह जो लोग हैं वो इस दिवस को याद रखें और मानव सभ्यता को कहीं ना कहीं बचा के रखें, जिससे कि जो लोगों के अंदर अमानवीय व्यवहार जो लोग करने लग गए हैं, जो लोग मानव को इतनी ज्यादा जो है तरजीह नहीं दे रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लोग विभीषिका को समझें और लोग जो वैमनस्यता है उसको छोड़ के आपसी भाईचारे की ओर ज्यादा ध्यान दें। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि उस वक्त की जो त्रासदी है, जो भी उसको याद करता है उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वो मानव जीवन की सबसे बड़ी पलायन था और सबसे बड़ी त्रासदी थी। और इसी को प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कहा कि ताकि मानव सभ्यता को आगे बेहतर किया जा सके और आगे लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं बेहतर समझ विकसित किया जा सके, इसीलिए इस दिवस को मनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है। बिल्कुल अविनाश, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपनी रिश्तेदारी छोड़ी, तमाम चीजें और कई भावनात्मक अभिलेख भी मिलते हैं इस वक्त को बयां करने के लिए। हमारे साथ बने रहे विनाश, आगे भी हम बात करते हैं। जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अब एक हफ्ते के बाद अनलॉक हो गया है, साथ ही दूसरे कांग्रेसी नेताओं के ट्विटर आईडी भी अनलॉक हो चुके हैं। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट भी अनलॉक हो चुके हैं। ट्विटर ने राहुल गांधी, कांग्रेस और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए थे, लॉक कर दिए थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल, महासचिव अजय माकन, जितेंद्र सिंह, सांसद मणिकम टैगोर, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देवी, प्रवक्ता पवन खेड़ा और कई ऐसे नेता हैं जिनके ट्विटर अकाउंट लॉक हो गए थे। तो चलिए, अब इस पर जानकारी लेते हैं सहयोगी अविनाश से। तो अविनाश बताइए, एक हफ्ते के बाद इतने सारे अकाउंट अनलॉक हुए होंगे, बहुत सारी बातें निकल के आ रही होंगी। जी देखिए, इसमें अगर बात करें तो दिल्ली में एक बच्ची के साथ रेप होता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। उनके परिवार वालों से जब राहुल गांधी मिले थे तो उन्होंने उन परिवार वालों की फोटो अपने साथ पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिकायत दर्ज की थी और ट्विटर ने फिर ये कार्रवाई की थी। इस पर राहुल गांधी की ट्वीट को एक ब्लॉक किया गया, तो उसके बाद ट्विटर अकाउंट को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राहुल गांधी समेत 23 नेताओं के ट्विटर अकाउंट को जो है लॉक किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो 7 पार्टी का जो इनका ट्विटर अकाउंट है उसको लॉक किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से जो ट्विटर में एक प्रोसेस है, जो नया नियम है भारत का आईपी, उसके तहत किसी भी व्यक्ति की अगर पहली बार इस तरीके की गलती रहती है तो उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो 5 से 6 दिनों के लिए ब्लॉक होता है, उसके बाद खोल दिया जाता है, आगे के लिए चेतावनी देगा। तो वो एक राहुल गांधी के साथ प्रक्रिया की गई है। अब राहुल गांधी का अकाउंट खोल दिया गया और कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है उसको भी अनब्लॉक कर दिया गया। तो ट्विटर ने जो भारतीय नियम है उसके तहत ही कार्रवाई की थी, लेकिन इसको लेकर बड़ी राजनीति हुई। कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन जो नया आईटी नियम है भारत उसके तहत ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए और उसकी जब पूरी जो प्रक्रिया पूरी हो गई उसके बाद ट्विटर अकाउंट जो राहुल गांधी का था उसे अनब्लॉक कर दिया गया है। चलिए, अब ये नए नियम कानूनों की जानकारी अब उम्मीद है अच्छी तरह से हर किसी को हो गई होगी इनके जरिए ही। सही अविनाश, आपका